पब्लिक टीवी आपकी आवाज। फोर्ड कार शोरूम पर लाखों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बकाया होने पर आज मुरादाबाद नगर निगम की टीम ने कार शोरूम को सील कर दिया। शोरूम सील होने के बाद हड़कंप मच गया और मालिक ने नगर निगम को हाथों हाथ 50% टैक्स का भुगतान किया, जिसके बाद नगर निगम ने बाकी टैक्स जमा करने की चेतावनी देते हुए शोरूम में लगाई गई सील को खोल दिया। नगर निगम ने अन्य कई फैक्ट्रियों और कई संस्थानों को भी हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भी जारी किए। नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी के नेतृत्व में आज नगर निगम के टैक्स विभाग की टीम ने हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। दिल्ली रोड स्थित फोर्ड कार के शोरूम पर नगर निगम की टीम ने पहुंचकर शोरूम को सील कर दिया। फोर्ड कार के शोरूम पर नगर निगम का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का 20,76,944 रुपए का बकाया चल रहा था। शोरूम मालिक शकील अहमद ने नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं किया था, जिसके बाद आज नगर निगम की टीम ने शोरूम को सील कर दिया। बच्चे पल रहे हैं, ये सरकारी काम में बाधा मत पहुंचाइए। इनके पैसे हमारे इनके पैसों से बच्चे पल रहे हैं हमारे। ये टैक्स देंगे तो तनख्वाह मिलेगी। हम नहीं लेना, हम मैं ऐसे ही चला जाता, लेकिन इनका किरदार बड़ा खराब रहा। आज दो जगह अभियान चलाया गया, जिसमें कि श्री शकील अहमद बिजनेस फोर्ट लाकी फाजलपुर पर 20,76,000 रुपए बकाया था और इनको प्रॉपर बिल मांग नोटिस सब कुछ दिया जा चुका था, लेकिन इनके द्वारा मेरे इंस्पेक्टर मेरे TS सभी ने संपर्क किया, किसी के कोई उन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो आज मेरे द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें मैंने फैक्ट्री सील कर दी, इनका गाड़ी का जो शोरूम था सील कर दिया, सील किया गया। तब इसके बाद इन्होंने फिर 10,40,000 रुपये पेमेंट किया और बाकी मास्टर देने के लिए कहा इन्होंने। दूसरी आपकी राम तलैया पे गोपी कृष्ण का KGK कॉलेज है, उसमें स्टेट बैंक था, उस पर 17,22,000 बाकी था, तो उनके द्वारा भी 8,61,000 का पेमेंट किया गया। बाकी दो दिन में पेमेंट देने के लिए रिटर्न में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि दो दिन में पेमेंट कर दूंगा। ये मार्च तक पूरा अभियान चलेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें। किसी तरह की कोई अपील करेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूँ बड़े बकायदारों से कि अपना टैक्स स्वयं नगर निगम में जमा करते हैं, अन्यथा ये कार्रवाई से बच नहीं पाएगा कोई भी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।